दोस्तों, आजकल शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी कई लोगों को हो रही है और उसका एक लक्षण यानी एक सिम्टम है कि व्यक्ति को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं भी है और उनको अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उनको कभी न कभी भय हो जाता है कि हमें शायद डायबिटीज़ हो गया है। लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका डायबिटीज़ लेवल नॉर्मल आता है। तो दोस्तों, उनको आखिर बार बार पेशाब क्यों लगता है? तो इसका एक और कारण हो सकता है, वो है यूटीआई इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने वाली दवा टैक्सिमोट 200 टैबलेट के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इस वीडियो में हम लोग टैक्सिमोट 200 टैबलेट के प्राइस, इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स, इसके कंपनी कॉम्पोजिशंस और इसके डोजेस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टैक्सिमोट 200 टैबलेट को एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर हम लोग इसके प्राइस यानी इसके कीमत की बात करें तो 107 रुपये में 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप मिल जाती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। हाँ, लेकिन अभी क्या ये वर्तमान कीमत है, समय के अनुसार थोड़ा बहुत कीमत में बदलाव होता रहता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सेफिक्सिम 200 mg होता है। अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, टैक्सिमोट 200 एक एंटीबायोटिक दवा है और इसका मेनली यूज बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण यानी इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके प्रॉब्लम्स और इसके फायदे के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है यानी फेफड़ों के वायु नली में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है, गले में इन्फेक्शन हो गया है यानी गले से घड़ घड़ की आवाज आती है और वो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, टॉन्सिल की समस्या हो गई है, कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी स्किन इन्फेक्शन या फिर टाइफाइड वाले बुखार को कंट्रोल करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, ये दवा शरीर में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार कर काम करता है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस दवा का इस्तेमाल आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर आपको इस दवा के साथ आपकी बीमारी की स्थिति को देखते हुए कोई और दूसरी दवाई भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये दवा नॉर्मल फ्लू के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं करती है। बात अगर हम लोग इसके डोजेस की करें तो दोस्तों, टैक्सिमोट 200 टैबलेट को भोजन या नाश्ता करने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम एक टैबलेट करके नॉर्मल वाटर के साथ लेना है। अगर आपकी कंडीशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है, तो आप दिन भर में एक टैबलेट भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपकी बीमारी की कंडीशन में सुधार होने के बाद भी दवा का कोर्स पूरा कंप्लीट जरूर करना है, नहीं तो हो सकता है कि बीमारी फिर से वापस आ सकती है। अब हम लोग इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट है मिचली आना, पेट में दर्द हो जाना, गैस होना, अपच की प्रॉब्लम होना और कभी कभी डायरिया का भी सिम्टम्स होना। इतने सारे इसके दुष्प्रभाव है, लेकिन ये रेयर है, जल्दी होते नहीं है, होने से अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में बात करिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।